समस्त मित्रों का 24/7 में आपका फिर से स्वागत है। मैं किशोर श्रेय औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो आज हमने आल्टो 800 लिए सीएनजी फिटिंग करने वाले, तो सीएनजी फिटिंग का आज हम पूरा वीडियो देखेंगे। तो जो जो देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये देख लीजिए, हमने ये 12 किलो टैंक है, 12 किलो का, इसमें 12 किलो सीएनजी बैठता है। और ये वाल मैंने दिए वाला वो फोटो से टाइट कर दिया है। और ये स्टैंड है, तो यहाँ हम फिट करने वाले हैं। जैसे कि हम सीएनजी का उसका रेड्यूसर देखने वाले हैं, सिक्वेंशियल किट फिट करने वाले हैं। इसका वो रेड्यूसर है, ये देख सकते हैं आप, ये बैठने वाला है। और इसके उसकी रेल है, जो इंजेक्टर बोलते हैं अपन, ये रेल है, ये रेल फिट करने वाले। तो और इसमें पूरी ईसीयू है इसका, ये ईसीयू है, आप देख सकते हैं ये रिसीव है। और इसकी वायरिंग है, तो पूरा देखेंगे हम। तो अरे नीचे पाइप भी उसके बाकी का, तो एक एक फिट करके हम देख लेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने मार्किंग ली है, तो मार रहे स्टैंड फिट करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने स्टैंड फिट कर दिया है, अभी बेल्ट फिटिंग चालू है। क्या हमने टायर टैंक फिट कर दिया है अच्छी तरीके से, देख सकते हैं। अब हमने आगे से पीछे पाइप खींच लेंगे। हमने जो पेट्रोल लाइन है वही से हमने पाइप खींच लिया है सीएनजी का, और ये टैंकिंग करने वाली है उसकी। ठीक है, सो गाइज हमने आप देख सकते हैं पूरे फिटिंग कर दिए, पाइप इन मीटर इन कर दिए हैं। अभी वायरिंग करने वाले, ईसीयू इसका लगा दिया मैंने। ईसीयू में जो ये टेम्परेचर का है, ये टेम्परेचर का है, ये कई पाइप को दे सकते हैं हम टेम्परेचर का। इम्पल्स है, इम्पल्स हम कॉइल को भी दे सकते हैं। जैसे कि ये पिंक कलर का वायर है, इसमें से कौन से एक कॉइल के पिंक कलर में देंगे। और उसकी रेल के लिए, इसकी इंजेक्टर के लिए हमने पाइप के लिए होल डाले वाले, और उसको टैप करके तीनों इसमें हमने उसमें उसको अंदर टैप से टाइट कर दिया है। उसके पहले अपने शोल्डरिंग से होल किया, फिर टैप मारे वाला है। अभी उसमें बैठेंगी ये इंजेक्टर, इंजेक्टर की रेल यहाँ बैठेगी, मैं बताऊँगा आपको कैसे बैठती। और इसमें का एक वायर है वो अंदर स्विच में गया है, और इसका प्लस माइनस यहाँ पे। और ये जो वायर है, ये वायर मीटर का है, अब ये मीटर का जाएंगे। और ये इम्पल्स का है, इम्पल्स का सेंसर लगा के, ये इम्पल्स का वायर। जैसे कि हमने स्विच लगा दिया है गैस का, इस पर गैस का लेवल बताता है। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने रेल लगाई, रेल की वायरिंग करी, इंजेक्टर की वायरिंग करी, इंजेक्टर के बीसी वायरिंग रहती है उसमें कट करके, वन साइड कट करके वो भी लगा दिया। तो आप देख सकते हैं पूरा तो कंप्लीट हो गया है। सेंसर का वायर लग दिया, टेम्परेचर का भी लगा दिया। तो अभी इसको करते हैं हम चालू। अब एयर फिल्टर लगा के गैस भर के एक बार लेके चेक करेंगे, फिर करेंगे चालू। सो गाइज हमने अभी गाड़ी स्टार्ट कर दी, देखेंगे कट होने के बाद कन्वर्ट होती है। तो सो गाइज हमने सीएनजी गैस फिल कर दिया है, अभी हम इसको लैपटॉप लगा के स्कैन करेंगे और उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। उसको गए हमने, आप देख सकते कॉर्ड लगा दिए और इधर लैपटॉप भी लगा दिए। लैपटॉप में करेंगे हम उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड। एचआर की डेट है, एचआर का सॉफ्टवेयर मारेंगे उसको। सो हमने पूरी गाड़ी की फिटिंग कर दी, अभी हम निकलने वाले ट्रायल को। तो गाड़ी देख सकते हैं आप, सीएनजी भी कन्वर्ट हो गई, और पिकअप विकअप एकदम बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं पिकअप के बारे में। एकदम रफ ट्रायल मार रहा मैं उसकी, एकदम राइट हो गई गाड़ी। तो आपको सीएनजी किट औरंगाबाद सिटी में लगाना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को कॉन्टैक्ट कर दीजिए, मैं आपको बोल दूँगा कहाँ ये सीएनजी किट फिट करने की, और इसके लिए डिस्काउंट भी मिलेगा।
गार्डन में ये देखिए, ये पेट्रोल स्टार्ट होती है और गैस पे कन्वर्ट होती है, ये हो गई हमारी सीएनजी। तो भाई सब सीएनजी कंप्लीट हो गई हमारी गाड़ी। तो ऐसी नए नए वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।